सब निकालने के बाद कुछ ना कुछ तो कचरा बचेगा, कुछ ना कुछ कचरा बचेगा, उसको छोटा सा डिब्बा में पैक करके लिख दिया जाता है वैसलीन। किसी किसी का स्किन एकदम ड्राई होता है तो उसको पचर पचर करने का शौक है, किसी का एकदम स्किन पचर पचर है, एकदम नाक पर से दूध पौआ तेल छोड़ता है तो उसको सुखाने का शौक है, तो अलग अलग क्रीम निकलेगा। पेट्रोलियम एक गाढ़ा पदार्थ होता है, जिस तरह से हम लोग चावल के साथ मार निकालते हैं ना, चावल के साथ मार अब तो नहीं निकलता है कुकर के जमाना, गांव वगैरह में अभी भी निकलता है चावल का मार। देखें सीबीएसई वाला राइस, राइस हाँ स्टीम राइस, स्टीम राइस वैज्ञानिक सीबीएसई मार वगैरह देखे हो कि नहीं। चलिए, तो मार की तरह गाढ़ा पदार्थ होता है पेट्रोलियम, उसमें माचिस मारेंगे आग नहीं पकड़े, अभी नहीं कि जाके मार दे धबक जाएगा ये, मतलब उतना आराम से आग नहीं पकड़ता, बड़ा मुश्किल से आग पकड़ता है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम एक गाढ़ा पदार्थ होता है, कैसा पदार्थ होता है, तो इसे निकालने के लिए रिग मेथड का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई चट्टान है यहाँ पर और ये बड़ा सा चट्टान है, ज्यादातर पेट्रोलियम समुद्र पे पाए जाते हैं या रेगिस्तान पे, जहां जहां रेगिस्तान है ना करोड़ों साल पहले वहां समुद्र था, समझ आ गया, इसका मतलब जहां जहां समुद्र है वहां करोड़ों साल बाद क्या होने वाला है, रेगिस्तान होने वाला है, समझ आ गया। सहारा मरुस्थल समुद्र था, आज भी रेगिस्तान में वेल मछली की आपके कंकाल मिल जाते हैं सब, हिमालय पर्वत में मगरमच्छ का कंकाल मिल जाता है, कहां करने गया था पहाड़वा पे मगरमच्छ टालने गया था। देखिए ये समुद्र है, क्या ये समुद्र, समुद्र के नीचे यहाँ पे इसके नीचे क्या पाया जाता है पेट्रोलियम, अब यहाँ पे पेट्रोलियम का भंडार है, यहाँ पे पेट्रोलियम का भंडार है, तो ऐसे डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं, उसके ऊपर ये कठोर चट्टान है, जैसे हमारा जमीन है, जमीन के नीचे पानी है तो क्या बिना पाइप डाले निकल जाता है, नहीं निकलता, तो यहाँ क्या किया जाता है, बोर बोर किया जाता है, क्या किया जाएगा बोर, बोर कर दिया जाएगा, यहाँ हो गया यहाँ पे बोरिंग, जहाज पे लगा के बोर कर दिया जाता है, अब फिर यहाँ पे एक तो बोर कर देगा, दो बोर कर देगा, अब एक बोर पे भी हो सकता है, सिंगल बोर पे भी हो सकता है, इधर से डाल देगा एयर, यहां से क्या डालेगा एयर, ये प्रेशर सीधे पाइप से यहां जाएगा, अब इसमें हलचल करेगा तो ये कहां से निकलेगा, ऊपर से, यहां से निकल जाएगा पेट्रोलियम, इसको भर देगा जहाज में लेके चल दिया कहां पे घरे निकाल लिया वहां से पेट्रोलियम, कभी कभी डायरेक्ट ड्रिलिंग से निकाल लिया जाता है, कभी एयर प्रेशर से, जैसा जैसा जरूरत रहा उसी हिसाब से काम करता है। तो पेट्रोलियम कैसा पदार्थ है, गाढ़ा पदार्थ, इसे निकालने वाली मशीन को हम रिग कहते हैं, क्या कहते हैं रिग, ये ऑयल रिग है, बड़ी वाली मशीन को क्या कहते हैं रिग कहते हैं। जैसे दूध गर्म करिएगा तो उसमें मलाई जमेगा, फिर मलाई छान लीजिए खा गए, तो तीन घंटा बाद फिर गर्म कीजिए, एक और पतला मलाई जमेगा, समझ आ गया कि नहीं आ गया, फिर निकाल दीजिए, फिर गर्म करिए सोचा, फिर एकदम पतला बनेगा, एकदम पतला, फिर निकालिए, फिर गर्म कीजिए, उठ के गरियाना देगा तो कहिएगा कहेगा हमारा पे तुम परवाजी आसमान का प्रयोग करता है आप, नौटंकी जब आए जितना दे दिए वहां पे नौटंकी पे नौटंकी कर रहा। तो पेट्रोलियम ऐसे गरियाता नहीं है, उसे बार बार अलग अलग टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, तो जब गर्म करेंगे तो शुरुआत में मिल जाता है डीजल, और गर्म करेंगे पेट्रोल, ऐसे गर्म करते गए नॉर्मल कभी किरोसिन तेल मिलेगा, सबका अलग अलग टेम्परेचर है, कितने डिग्री पे डीजल निकलेगा, और गर्म करेंगे तो पेट्रोल निकल जाएगा, और गर्म करेंगे तो किरोसिन तेल निकल जाएगा, अलग अलग निकलते रहता है। तो पेट्रोलियम एक कॉमन पदार्थ है जिससे हर चीज अलग निकलता है, जैसे दूध है ना, किसी अलग विधि से करिएगा तो मक्खन निकल जाएगा, कोनो और विधि निकालिएगा तो घी निकल जाएगा, और विधि निकाले मलाई निकल जाएगा, और कौन सी पनीर निकल जाएगा, और कोनो विधि अपनाएगा छेना बन जाएगा, सेम वैसे ही पेट्रोलियम होता है, अलग अलग विधि अपनाइए, अलग अलग टेम्परेचर लगाइए, अलग अलग चीज मिलते जाएगा, समझ आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़े, मतलब गाढ़ा किया जाता है, अच्छा गढ़ा कैसे खोद कैसे रहे गढ़ा कहीं, मशीन होता है ड्रिलिंग मशीन,
खोजने के लिए विधि, अंदर में अलग अलग टेक्नोलॉजी आ गई है खोजने की विधि। मत जाना तुम गांव में पेट्रोलियम खोजेगा, मशीनें आती हैं ये सब चीजों के खोजने के लिए। कर रहा बताइए ना कैसे खोजा जाता है। अच्छा ये क्या करेगा कैसे खोजा जाता है उसकी टेक्नोलॉजी जान के, वो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी होता है। और अगर ये जान गया ना तो भर गांव पेट्रोलियम खोजेगा अपना, जेकर खेत खोद काट के रद्द कर देगा आप। आगे बढ़े तो पेट्रोलियम प्रभाजी आसमान से बनता है कि नहीं बनता, तो बताइए पेट्रोलियम प्रभाजी आसमान से बनेगा। इसी से क्या निकलेगा, किरोसिन, किरोसिन निकल सकता है, इसी से क्या निकल सकता है, डीजल और पेट्रोल, सब इसी से निकाला जाता है। किससे, पेट्रोलियम से। इसीलिए इसे तरल सोना कहते हैं। क्या कहते हैं, तरल सोना, एकदम तरल सोना निकले। उसमें से पेट्रोलियम निकाल लिए, मिट्टी तेल निकाल लिए, डीजल निकाल दिए, मिट्टी तेल में थोड़ा सा कुछ यौगिक मिला दिए ताकि मिट्टी तेल जमे नहीं, जल्दी आग ना पकड़े तो एविएशन फ्यूल हो गया, हवाई जहाज में भेज दिए यहाँ पे। सब निकालने के बाद कुछ ना कुछ तो कचरा बचेगा, कुछ ना कुछ कचरा बचेगा, उसको छोटा सा डिब्बा में पैक करके लिख दिया जाता है वैसलीन। समझ में आई ना क्या, तो पेट्रोलियम का जितना कचरा हो गया उसको इसे इसे कुदारी से इसे बकोट बकोट के दंगे, समझ गए कि नहीं। अब उसको ले जाया जाता है ब्यूटिशियन सबके पास, मतलब ब्यूटी, सुनो, अब उसमें अलग अलग पदार्थ उससे बनाया जाता है। कुछ उसमें फेयरनेस के लिए आता है, किसी किसी का स्किन एकदम ड्राई होता है तो उसको पचर पचर करने का शौक है, किसी का एकदम स्किन पचर पचर है, एकदम नाक पर से दूध पौआ तेल छोड़ता है तो उसको सुखाने का शौक है, तो अलग अलग क्रीम निकलेगा। अभी देखिए अगर ठंडी का दिन है, लड़का खड़े चल जाएगा धूप सेकने से और झोंस के आएगा एक ओर से चितका बड़ा होके, और लड़की उसके लिए सन्स बुलेट प्रूफ क्रीम, समझ आएगा कि नहीं आएगा, बढ़िया से पोत के एकदम ओ माय गॉड, धूप में वो डायरेक्ट नहीं सकेगी, कुछ ना कुछ ऐसे छज्जा निकलने रहेगी ऐसे, ओ माय गॉड माय ब्यूटी विल लॉस है, नहीं समझ आएगा, डराई लेती है सो यहां पर, अरे बाप रे करिया हो जाए तो आकाशवा छोड़ दे तो। आगे बढ़े तो पेट्रोलियम बहुत अच्छा पदार्थ है, समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो नहीं, काला खांसी अच्छा लड़का है, तुम लोग क्यों बोलेगा उसको काला खांसी, दांते काट लेना अगर काला खांसी बोला तो। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए पेट्रोलियम को हम लोग क्या कहते हैं, तरल सोना, क्या कहेंगे, तरल सोना। इसे डीजल निकला, पेट्रोलियम निकला, सब निकला। उसके बाद भगवान का आप लोग शुक्रिया अदा कीजिए, लड़की लोग किसके लिए, पेट्रोलियम, नहीं तो आधा ब्यूटी क्रीम तो ऐसे गायब हो गया रहता, नहीं जान में गया, कचरा से निकल गया ब्यूटी क्रीम। चलिए आगे बढ़ते, अब आगे का क्लास मंडे को कर लेंगे, आज के लिए इतना, मंडे को पीडीएफ दे देंगे।